हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं सीएन के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं 13 जुलाई 2023 के लिए। तो चलिए जाते हैं सीधा हमारे चार्ट पे। तो यहाँ पे ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। ये चार्ट मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया है। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की और अपस्टॉक्स की दे दी है। अगर आप चाहें तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है वो बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहां से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो स्टार्ट कर पाओगे। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले सेंड में यहाँ पे आज के दिन क्या हुआ। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, आज के दिन स्टॉक में 2.64% का नेगेटिव मूव, 14.10.30 पे क्लोजिंग देखने मिल रही है। तो क्या आने वाले दिनों में ऐसा ही नेगेटिव मूवमेंट रहने वाला है या फिर कोई पॉजिटिव मूवमेंट आने वाली है, उस बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ आपका कल के लिए क्या सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो स्टॉक में बनता है जरूर आपको मार्क करके बताएंगे। और यहाँ पे आज के क्लोजिंग के बेसिस पे हमें क्या लगता है स्टॉक में कल के दिन क्या हो सकता है, जरूर जो हमारा ओपिनियन भी देंगे। तो चलिए जाते हैं वनडे के चार्ट में, बात करते हैं आने वाले दिनों में हमें क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे वनडे का चार्ट हमने ऑलरेडी ओपन करके रखा है। मैं बात करूँ वॉल्यूम की, एवरेज सा वॉल्यूम देखने मिला। कैंडल यहाँ पे स्मॉल साइज के, नीचे के साइड में छोटी सी विक देखने मिल रही है। आरएसआई की बात करें तो आरएसआई हमारा यहाँ पे अराउंड 46-47 के आसपास आ चुका है, जो हमें यहाँ पे स्लाइट एक पॉजिटिव मूवमेंट का इशारा देता है। लेकिन कई और सारे फैक्टर्स होते हैं, उसे भी हमें कंसिडर करना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ आरएसआई इंडिकेटर्स पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। अब रही बात मेरे ओपिनियन की स्टॉक में आने वाले दिनों के लिए, आने वाले दिनों के लिए स्टॉक में मेरा ओपिनियन यहाँ पे जरूर जो है एक नेगेटिव मूव है पॉजिटिव साइड के। एक्सपेक्टेड स्टॉक में डाउन साइड जो अराउंड यहाँ पे 1376 के आसपास देखने में, वहां से हमें फिर रिवर्सल आते हुए देखने मिला। रिवर्सल में स्टॉक आएगा अराउंड 1423 के आसपास, उसको भी क्रॉस करते तो मूवमेंट हमें इजिली जो 1468 तक आते हुए देखने मिल सकती है। बाकी स्टॉक में ट्रेंड पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ट्रेंड में मैं आपको जरूर रेकमेंड करूंगा। इंट्राडे में जितना हो सके बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें, क्योंकि वहीं पे आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में होगा, वहीं पे हमें प्रॉफिटेबिलिटी देखने मिलेगी। बाकी आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में क्या हो सकता है वो आप जरूर हमें कमेंट करके बताना। रिसेंटली हमने स्टॉक का एनालिसिस किया था, वहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए क्या लेवल्स बनते हैं वो हमने आपको बताया था। अगर आपको जानना है जरूर उस वीडियो को देख ले। बाकी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए तो नीचे हमने हमारा व्हाट्सअप नंबर दे दिया, आप जरूर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए वन आर के चार्ट में बात करते हैं कल के दिन क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे वन आर का चार्ट हमने ऑलरेडी ओपन करके रखा है, कुछ सपोर्ट जोन और रेसन भी यहाँ पे मार्क्ड है। तो फिलहाल हमें कोई मार्किंग करने की जरूरत नहीं है, जूम करके मैं बात करूंगा इसके क्लोजिंग की। बाकी अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ जो है बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन जो वो ऑन कर ले, क्योंकि हम जो है आप सभी के लिए एवरी डे 4 स्टॉक्स एनालाइज करके लाते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट डे और आने वाले दिनों में जो स्टॉक में क्या देखने मिलने वाला है पूरा का पूरा यहाँ पे आपको जो है चार्ट के बेसिस पे समझाने की कोशिश करते हैं। क्लोजिंग की मैं बात करूँ तो यहाँ पे 1415 के आसपास क्लोजिंग हुई। डायरेक्ट सपोर्ट आता 1399 का, डायरेक्ट रेजन आता 1426 का। याद रखना डायरेक्ट सपोर्ट से डायरेक्ट रेजन का जो एरिया होता है उसे हम कहते हैं नो ट्रेडिंग एरिया। इसका मतलब है इस रेंज में अगर आपको स्टॉक घूमते हुए देखने मिले तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना, आपको वेट करना है दोनों में से किसी भी एक साइड में स्टॉक हमारा क्रॉस हो और फिर कन्फर्मेशन कैंडल को देखते हुए अपना ट्रेड लेना है। अगर आपको नहीं पता कन्फर्मेशन कैंडल क्या होती है तो आई बटन में मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट एंड टारगेटिंग स्ट्रेटेजी का जो वीडियो ऐड किया उसको आप जरूर देख ले, वहाँ पे मैंने आपको हर एक चीज़ समझाई है। अब रही बात मेरे ओपिनियन, तो मेरा ओपिनियन कहने से पहले इंपॉर्टेंट आपको दो सपोर्ट जोन और दो रेजिस्टेंस क्या बनते हैं आफ्टर डायरेक्ट सपोर्ट एंड डायरेक्ट रेजिस्टेंस वो आपको बता देता हूँ। तो डायरेक्ट सपोर्ट के बाद अगला सपोर्ट आता है 1380 का, उसके बाद क्या 1357 का। डायरेक्ट रेजिस्टेंस के बाद का अगला रेजिस्टेंस आता है 1447 का, उसके बाद क्या 1473 का। तो यहाँ पे मैंने जो दो सपोर्ट और दो रेजिस्टेंस आपको बताए जरूर जब उसी को कंसिडर में रखते हो जो अपना यहाँ पे कल के दिन का ट्रेड ले। अब रही बात मेरे ओपिनियन की स्टॉक में आज के क्लोजिंग के बेसिस पे कल के लिए कहूँ, मेरा ओपिनियन स्टॉक में यहाँ पे जरूर जो है एक पॉजिटिव क्लोजिंग का है, लेकिन यहाँ पे मूवमेंट जो हमें अच्छी खासी जो नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर गैप अप ओपनिंग हो तो स्टॉक हमें रिवर्सल में नो ट्रेडिंग एरिया के जोन में एक नेगेटिव क्लोजिंग हमें देते हुए देखने मिल सकता है। ओवरऑल यहाँ पे क्लोजिंग हमें नेगेटिव देखने मिल से, थोड़ा सा यहाँ पे जो पॉजिटिव साइड में स्टॉक रहते हुए फिर हमें नीचे के साइड में नो ट्रेडिंग एरिया के रेंज में जो यहाँ पे क्लोज होते देखने मिल जाएगा। ओवरऑल एक न्यूट्रल क्लोजिंग है, लेकिन इस रेंज में 1399 से लेकर 1426 में क्लोजिंग हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कल के दिन। आपको क्या लगता है कल के दिन क्या हो सकता है हमें जरूर कमेंट करके बताना। और अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।